हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक सियासी तौर पे और समाजी तौर पे हंगामा खेज हफ्ते का इख्तिताम हो रहा है। धरने चलते रहे इस्लामाबाद में, लाहौर में, उसमें वफाकी हुकूमत का, पंजाब की हुकूमत का जो किरदार रहा वो भी आपके सामने है। किसी जगह पे पसपाई अख्तियार करनी पड़ी, किसी जगह पर मीडिया की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। एक भरपूर हंगामा खेज सियासी और समाजी हफ्ता पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है और एक और सियासी हंगामा खेज हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। और दिसंबर के बारे में जैसे बहुत से सियासी पंडितों का, सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि ये बहुत से लिहाज से ना सिर्फ नून लीग के लिए, शरीफ फैमिली के लिए, बल्कि इस मुल्क के लिए भी और मुल्क की सियासत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस हवाले से कल जैसे ही मंडे से नए वीक का आगाज होगा तो हुदैबिया केस आगे क्या रुख इख्तियार करता है उसके खद्दोखाल भी सामने आ जाएंगे। नैब रेफरेंसेस नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, वो इकट्ठे करके सुने जाते हैं या अलग अलग करके सुने जाते हैं, इसका भी फैसला हो जाएगा। मुख्तलिफ सियासी जलसों की भरमार शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का एक यौम तासीस का जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगा। पीटीआई भी अपनी सियासी ताकत का लैया में और फिर आगे चल के दीगर जगहों पर मुजाहरा करेगी। कराची भी भरपूर रहेगा, कराची में भी नई नई सियासी जमातें बन रही हैं और जो पुरानी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी नए नए जलसों का आगाज कर दिया है, ऐलान कर दिया है। तो दिसंबर के बारे में खासतौर पर जो मंडे से कमिंग वीक होगा उस हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक भरपूर और हंगामा खेज किस्म की सियासत चलेगी। फिर इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस कब होने हैं कि नहीं होने, उसके हवाले से सेनेट में जो बिल डिलेड है उसके मुस्तकबिल का भी फैसला हो जाएगा। और एक ऐसा बयान जिसके ना सिर्फ पाकिस्तान में गूंज, जिसके ना सिर्फ सियासी रिपरकशंस पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क भारत में सुने गए, वो आपने चंद दिन पहले सुना कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि हाफिज सईद साहब का और लश्कर तैयबा का उनसे बड़ा एडमायरर या सपोर्टर और कोई नहीं है और वो इसके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इसकी बाजगश्त बहुत सुनी गई और आपको याद होगा कि 11 नवंबर को जब रिलीज किया गया हाफिज सईद को तो उसके बाद भारत की तरफ से किस किस्म का रद्द अमल सामने आया, अमेरिका की तरफ से क्या मुतालबा आया। अमेरिका ने फौरन पाकिस्तान से मुतालबा किया कि हाफिज सईद को फौरी गिरफ्तार करके उनकी फौरी सजा यकीनी बनाई जाए। तो ये वो सारे इश्यूज हैं। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी होने जा रही है कि अमेरिका के वजीर खारजा जेम्स मैटिस वो भी पाकिस्तान आने जा रहे हैं। तो खास तौर पर इस एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट को लेकर जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से आई थी, क्या रिपरकशंस होंगे, लेकिन और भी बहुत सी बातें करेंगे। तो इस वक्त दुबई से मेरे साथ खासतौर पर मौजूद हैं साबिक चीफ और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए, खासतौर पर वक्त देने के लिए। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपसे बात किए हुए। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और सर आपने बड़ा हंगामा खेज बयान दिया इसी हफ्ते में जिसके आफ्टर शॉक्स ना सिर्फ इंडिया में फील किए जा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में फील किए जा रहे हैं। तो मैं उसी हवाले से आपसे मजीद सर चाहूंगी कि आप इस पर मजीद रोशनी डालें, मजीद डिटेल से इस पर बात करें कि आपने हाफिज सईद साहब के बारे में जो बयान दिया था कि आप उनके सबसे बड़े एडमायरर एंड सपोर्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसके रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे नहीं हो सकते थे? खासतौर पर ये दो दिन पहले ही डॉन ने एडिटोरियल भी लिखा आपके हवाले से। देखिए ये रिपरकशन से ये इंटरनेशनल इंडिया रीजन इनसे जो बंदा डरता है ना उसको थोड़े मुल्क को चलाना छोड़ने पर, ये हमारा मुल्क है, इसकी इंटरनल सिचुएशन, इसके अंदर जो लोग हैं वो अच्छे या बुरे हम जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं। हमें कोई ना डिक्टेट करे कि इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, हमें पता है कौन क्या है। देखिए हाफिज सईद के बारे में मैंने कहा और मैं प्राउडली कह रहा हूं कि दोबारा मैं कहूंगा
कि लश्कर तैयबा और जमात दावा बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान के हक में अच्छी है. नाउ इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करना कि ये दहशतगर्द है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी नहीं है. अब चाहे दुनिया कुछ कहती रहे, हमें यही कहना चाहिए वो दहशतगर्दी नहीं है. वहां मुजाहिदीन एक्टिविटी चल रही है, जो हिंदुस्तानी फौज से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हकूक कश्मीरियों के नहीं दे रहे. वो जो यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज किया था, तो इसमें शर्म की क्या बात है. नौ 2005 तक मैं ये बताना चाहता हूँ गरीदा आपको, मैं भी इनके बारे में ये अफेक्ट हो गया था. इंटरनेशनल इंडिया तो चाहता है ना इनको ब्लैक लेबल करो, इनको ब्लैकबॉल करो और ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि वो कश्मीर में एक्टिव है, वो 1990 से एक्टिव है वो. तो मैं भी उसी आ गया कि ये तो कुछ दहशतगर्दी वगैरह. लेकिन जब मैंने देखा 2005 में, ये तो सबसे अच्छे एनजीओ है, सबसे अच्छा काम अर्थ को एक में इन्होंने किया. और फिर ये तालिबान या अलकायदा के भी फेवर में नहीं आए, तो हम क्यों इनको, वाई आर वी पुशिंग देम टू द वॉल, ताकि यही जो इनके, क्योंकि इनके रिलीजियस फॉलोअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो सब मजहबी हैं, हम चाहते हैं कि इनको चलो छोड़ो ये वेलफेयर जो है जमात दावा, तुम जाओ वहां तालिबान में जा मिलो और तुम भी लड़ना शुरू कर दो, क्या ये चाहते हैं हम. तो ये हमें क्लियर कट दुनिया को बताना है. हम अमेरिका में बता नहीं सकते अपना मौकिफ, तो वो हिंदुस्तान बताता है, वो उनकी तरफ हो जाते हैं. इनको जनाब टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल ये टेररिस्ट नहीं है. और हमें खुल के अमेरिका को और पूरी दुनिया को बता देना चाहिए ये टेररिस्ट नहीं है. ओके, आपने कहा कि आप भी अफेक्ट हो गए थे 2004 में जब इन पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि ऐसी सूरत हाल नहीं है. तो आप कहना चाह रहे हैं कि बतौर आर्मी चीफ या बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आप इन्फ्लुएंस हो गए थे इंटरनेशनल प्रेशर से, क्या मैं ठीक कह रही हूँ या मैं ठीक समझी? नहीं, प्रेशर नहीं. देखे आदमी को जज करने में, चीजों को जज करने में थोड़ी सी देर लगती है. कोई प्रेशर में, मैं प्रेशर में आने वाला टाइप आदमी नहीं हूँ. मैं उनको देख रहा था ये क्या कर रहे हैं, तो उससे मैं मिसलीड हुआ थोड़ा कि ये हो सकता है, ये क्या, ये हमें पता होना. देखिए ये आए हैं वजूद में 1991 या 2 में मेरे ख्याल में जी. और कश्मीर में लड़ने के लिए, और ये बेनजीर की हुकूमत दो दफा जो आई है, और ये नवाज शरीफ की हुकूमत जो दो दफा आई है, थ्रू आउट ये लश्कर तैयबा लीड में रहा है कश्मीर में. अब ये कहें आकर टीवी पे कि मैं गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ, वो लीड में रहे हैं वहां कश्मीर में, इनको सब कुछ पता था. तो अब बोले ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ तो ये जी ये इंटरनेशनल पता नहीं क्या हो गया. छोड़ो जी इंटरनेशनल, हमें अपना सोचना है, और हमें हमारे ऊपर इंडिया वो जो ये गुलबर्शन क्या है यादव, उसके बारे में कोई इंटरनेशनल कर रहा है? वाई डोंट वी गो वहां यूनाइटेड नेशन में, इनको इनको पकड़ो कि ये दहशतगर्दी हमारे बलूचिस्तान में करवा रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान, इनकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं वो कहते कि ये दहशतगर्दी के सपोर्ट में है? कोई नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने दबा दिया हुआ है. हम दब रहे हैं तो हमारे सर पे चढ़ चले जा रहे हैं भाई. ये इन चीजों को देखें, ये इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं चलती है. सर क्या आप ये कहना पसंद करेंगे कि आपने रिग्रेट किया, या अब आपको रिग्रेट होता है कि हाफिज सईद को बैन नहीं करना चाहिए था, उनकी जमात को बैन नहीं करना चाहिए था, जो भी उस वक्त इंटरनेशनल मुतालबात थे उनके तहत, आपको क्या आप रिग्रेट करेंगे या आप रिग्रेट करते हैं सर? देखिए ये ऐसी होती रहती है. देखिए पाकिस्तान को गवर्न करना, 20 करोड़ आवाम है, डाइवर्स सोसाइटी है, बहुत डाइवर्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है, गरीब अमीर की डाइवर्सिटीज है, एजुकेशन की डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है, समझना इतना आसान काम नहीं है. तो ये विद टाइम मैं समझता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और फिर मुझे पता होता रहा है कि कौन हमारे खिलाफ साजिशें करके हमें मिसलीड करके ले जा रहा है एक तरफ, कौन अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए. तो वो ग्रेजुअली आदमी समझता है, रिग्रेट वगैरह का कोई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, रिग्रेट मैं नहीं करता. सर ये जो मुशर्रफ आपके आपके बयान के हवान के हवाले से मुशर्रफ बालाडाश के उनवान से डॉन ने एडिटोरियल लिखा है, तो उन्होंने काफी सख्त क्रिटिसिज्म किया है आप पे, आप इसमें अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा है कि आपके ये अनप्रेडिक्टेबल आउटबर्स्ट्स हैं,
जब आपने हाफिज सईद साहब के बारे में बयान दिया, लश्कर तैयबा के बारे में बयान दिया, आप उसको रीइन्फोर्स भी कर रहे हैं, रीट्रेड कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, तो डॉन का एडिटोरियल कहता है कि आपका फॉर्मर इंस्टीट्यूशन यानी कि फौज या जो कोई भी मुशर्रफ साहब पे किसी कदर दस्तरस रखता है या इन्फ्लुएंस होने की ताकत रखता है, उसे चाहिए कि मुशर्रफ साहब पे रिस्ट्रेंट लगाए कि वो इस किस्म के बयान ना दे। सर कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इस डिफेंस में, अपने मौकिफ में इस हवाले से? ये किसने कहा? ये डॉन ने कहा जी, ये डॉन का एडिटोरियल है सर, फर्स्ट ऑफ दिसंबर। हाँ, वो लिखते रहते हैं ऐसे, डॉन में आता रहता है एडिटोरियल, और मुझे मालूम है उनके एडिटर जो है तो वो लिखते हैं इस किस्म के ख्यालात, वो है। अब मैं उन एडिटर साहब से ये पूछता हूँ, क्या ये गुलबशन यादव के बारे में हिंदुस्तान ने एक दफा माना है कि ये हाँ हमारा एक कमांडर नेवी का है जो वहां एस्पियोनाज कर रहा था और जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा था, उन्होंने माना? वो कहते हैं हमारे नहीं है आदमी। तो हम ही क्या पागल कुत्ते ने कह रहे हैं, हम कहें भाई तो उसके लश्कर चाहिए बहाम हो दहशतगर्द है, क्यों है? नहीं है दहशतगर्द। तो आप देखें, कुछ समझे, कोई क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये डॉन के मैं ये नहीं कहता हूं भाई हिंदुस्तान की लाइन टो करना बंद करो, ठीक है, अपनी लाइन टो करो। और हमारे हक में यही है कि लश्कर तैयबा 1991 से है, नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें दो दो दफा इनको देखती रही हैं कि ये क्या कश्मीर में कर रही है, उन्हें सब कुछ पता है। तो आपको नहीं मालूम क्या उनके पता है? आपको नहीं पता है क्या? तो मुझे तो मालूम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान का एक बड़ा क्रेडिबल, ये पाकिस्तान का एक बड़ा क्रेडिबल न्यूज पेपर है, आप इस पे बड़ी सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की लाइन टो करता है। देखें, डॉन बिल्कुल क्रेडिबल, डॉन का नाम बड़ा है, लेकिन डॉन में कुछ लोग भी होते हैं ना, एडिटर की बात कर रहे हैं आप, ये डॉन जनरली ये मेरे खिलाफ लिखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये जो मैं आपको बातें ये कर रहा हूँ, बिलीव मी, मैं अपने हर लेक्चर में यूनाइटेड स्टेट्स में ये कहता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स, छोटे मोटे वालों से नहीं मिलता, मैं बड़े वालों से मिलता हूँ, उनको मैंने ये कहा है, उनके मुंह पे कहा हुआ है। तो ऐसे नहीं है कि मैं छुपा रहा हूं कोई, दिस इज माई बिलीफ। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गरीदा, दे ऑल बिलीव मी, दे ऑल लिसन टू मी। तो आप बोले तो सही, उधर कुछ करें तो सही, पाकिस्तान के हक में कुछ करें तो वो आगे चलेगा मामला। लेकिन अगर आप वही हिंदुस्तान की लाइन ड्रॉ करते रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं इनको टेररिस्ट, और वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्टिव यही है, इसलिए वो टेररिस्ट कह रहे हैं उन्हें, तो हम क्यों उनकी लाइन ड्रॉ करें? सर आप ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट उठा रहे हैं, खासतौर पे जो आपने कहा है कि मैं इंटरनेशनल विजिट्स में भी रेस करता हूँ, कांग्रेसमैन के साथ, अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ रेस करता हूँ। सर इसी हवाले से मुझे मजीद डिस्कशन भी करनी है आप, क्योंकि कल अमरीकी वजीर खारजा जेम्स मैथिस जो है वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं। विल टॉक अबाउट दिस विद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं हम पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जेम्स मैटिस के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी, और हाफिज सईद के साथ कनेक्शन के हवाले से अगेन मैं सवाल करना चाहूंगी, और जेम्स मैटिस आके पाकिस्तान के साथ किस किस्म की बातचीत कर सकते हैं और पाकिस्तान को उसका जवाब क्या देना चाहिए। लेकिन उससे पहले सर इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि हाफिज सईद की जब रिहाई हुई थी तो ना सिर्फ इंडिया का बल्कि अमेरिका का भी बड़ा सख्त मुतालबा सामने आया था कि इसे फौरी गिरफ्तार करके इसकी सजा को यकीनी बनाया जाए। अब जिस तरह के बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं, और जाहिर है आपने पहले भी कहा कि आप अमेरिकन कांग्रेसमैन से मिलते हैं, दुनिया भर में जाके सियासतदानों से मिलते हैं, पार्लियामेंट्स के साथ जाके इंट्रैक्शंस करते हैं, आप लेक्चर्स देते हैं इंटरनेशनल लॉबीज के साथ, लॉबी मैन के साथ, लॉबी वुमेन के साथ आपकी इंट्रैक्शन रहती है, और आपकी बात में एक वेटेज होता है, आपकी बात को वेटेज दिया जाता है, उसे पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से उसे पाकिस्तान के मौकिफ से जोड़ा जाता है, क्योंकि यू आर द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड द आर्मी चीफ। तो आप नहीं समझते कि आपके हाफिज सईद के हवाले से बयान पर रिपरकशंस पाकिस्तान पे पड़ सकते हैं नेगेटिव, खासतौर पर जबकि जेम्स मैटिस पाकिस्तान में आने वाले हैं? देखिए, रिपरकशंस इज सीधी सीधी बात है
क्या यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को चला रहा है या हम खुद अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं. ठीक, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन. नाउ यूनाइटेड स्टेट्स जो है इज टिल्टेड, उनकी ओपिनियन, उनका उनके जितने भी रवैया है वो टिल्टेड है टूवर्ड्स इंडिया फेवर. और हमें ये भी पता है, हमें पता होना चाहिए कि क्योंकि उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है विदावी कंटेनमेंट ऑफ चाइना. नाउ ये उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है तो वो इंडिया के साथ टिल्टेड है. नाउ अगर वो ये कहते हैं हमें हाफिज सईद के, क्या हम उन्हें नहीं कहना चाहिए फजलुल्ला जो है ना मौलाना, वो उधर बैठा हुआ है कुनार वैली में अफगानिस्तान में, वहां से वो टेररिज्म करवा रहा है, उसको आप अफगान गवर्नमेंट को कहें इमीडिएटली उसको सरेंडर करवाए हमें दे, ये हमें के नहीं कहना चाहिए क्या कि हम सिर्फ उन्हीं की लाइन के, वो जो कह रहे हैं वो काम करते रहेंगे उसका हम जवाब देंगे. हमें उसके जवाब में काउंटर सवाल करना चाहिए. पाकिस्तान को इस किस्म का स्टैंड लेना चाहिए बिकॉज दिस इज द यूनाइटेड नेशंस का मैटर. देखिए यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. मैं 10 साल मैंने यूनाइटेड नेशन में मैं डील करता रहा हूँ, हर साल मेरे साल में मैं वहां जाकर बात करता रहा हूँ, तो मुझे मालूम है यूनाइटेड नेशन क्या है कैसी है. आप मुझे बताएं, वो यूनाइटेड नेशन ने तो कश्मीर के बारे में प्लेबिसिट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, वो इंडिया मान रहा है क्या, इंडिया उस पर अमल कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा. वो कह रहा हम बाढ़ में भी आए हैं, छोड़ो इसको, नहीं हम बिलीव करते. तो हमें क्या हुआ भाई यार, तो ये पता है हमें यूनाइटेड नेशन का, क्या बहुत सी रेजोल्यूशन पास होते हैं. इसराइल मान लेता है क्या पैलेस्टाइन के बारे में रेजोल्यूशन, कोई नहीं मानता. ये चीजें हैं, ये यूनाइटेड नेशंस का प्लीज मुझे ना बताएं, या आई नो यूनाइटेड नेशंस, एंड अगर कोई ऐसी चीज वहां गलत हो रही है भाई ऑलवेज हमें अपने स्टैंड पे खड़े रहना चाहिए एंड ट्राई टू कन्विंस यूनाइटेड नेशंस कि आप गलत हैं, हम सही कह रहे हैं. ठीक ठीक सर, कल ही हाफिज सईद साहब ने जो है वो ऐलान किया है कि वो 2018 के इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और उनकी जमात फुल फ्लेज भी हिस्सा लेगी. वो खुद भी उनका प्लान है कि वो नेशनल असेंबली की सीट से कंटेस्ट करें. इस पे आपका कमेंट क्या होगा सर, उन्हें करना चाहिए पाकिस्तान के जो सियासी अमल है उसको इजाजत दे देनी, हाफिज सईद साहब खुद भी इलेक्शन लड़े नेशनल असेंबली की सीट पे और उनकी जमात दीगर हल्कों से भी लड़े. आपकी राय क्या है इस पे सर? मेरी तो राय यही है कि अगर वो इलेक्शन में लड़ना चाह रहे हैं तो लड़ें. ये जितनी भी रिलीजियस जमातें हैं जो जिनकी बहुत सी उनके ऊपर नेगेटिव एक्सपर्शन है बहुत सी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ, तो लश्कर ए तैयबा भी अगर इलेक्शन में आना चाह रही है, वो तो जैसे मैंने कहा वो आपकी खिदमत कश्मीर में करते रहे, सेक्रीफाइसेस देते रहे, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस कश्मीर में ये लश्कर तैयबा ने दिए. फिर आपको ये अर्थक्वेक में आपको बेहतरीन एनजीओ का काम किया है, फ्लड हुए वो सिंध बलूचिस्तान में बेहतरीन एनजीओ जमातुद्दावा. तो व्हाट इज, हम क्यों हैं इनके इनके खिलाफ भाई? और मैं ये बता रहा हूं, दूसरा हमें समझना चाहिए इनके फॉलोइंग में लाखों लोग हैं और सारे मजहबी हैं, यंगस्टर्स हैं, वो अच्छे काम को उनकी को लगा दो या वो फिर बंदूकें लेकर उनके तालिबान के साथ मिल जाए ना. यहाँ उन्होंने अच्छे कामों पे लगाया हुआ है, हाफिज सईद को क्रेडिट दें कि उनको उन्होंने ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में लगा दिया हुआ है और वो काम करते हैं, वहां बेहतरीन काम करते हैं. तो ये उसको बजाय इसके कि हम उनको एनकरेज करें, हम उनको दीवार पे लगाकर वी आर फोर्सिंग देम कि नहीं तुम लड़ने में आ जाओ, उस फील्ड में आओ, तुम ये मत. जनरल साहब, आपने एक 23 पार्टी ग्रैंड अलायंस भी बनाया है, तो क्या आपके जहन में कोई इम्कान है, कोई सोच है कि अगर हाफिज सईद के साथ या लश्कर ए तैयबा के साथ या जमात उद्दावा के साथ कोई इलेक्शन इलेक्टोरल कोलैबोरेशन हो सके तो वो आपके जहन में कोई इम्कान है इसके हवाले से? मतलब होना है तो हो जाएगा. आई मीन सर्टनली लश्कर ए तैयबा जो है अब तो मिल्ली मुस्लिम लीग है, आई हैव अ है जी, अब तो मिल्ली मुस्लिम लीग है उनकी वो जमात. हाँ, वो मतलब अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर में अलायंस में अगर वो
शामिल होना चाह रहे हैं बाय ऑल मीन, वह तो वेलकम चीज है। ओके ठीक है सर, अब आप अपने 23 पार्टी अलायंस ग्रैंड अलायंस के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फरमा दीजिएगा और इलेक्शन 2018, सर पहले तो ये फरमाए कि आपको इलेक्शन 2018 होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में? फ्रेंकली मुझे तो नहीं नजर आ रहे इलेक्शन होते हुए। अच्छा। लेकिन कोई मैं उसको ये तो कई मार रहा हूँ मैं, मतलब आई रियली और मेरी विश भी है कि ये ना हो, क्योंकि उससे कोई खास शायद रिजल्ट, अगर आजकल की सिचुएशन देखा जाए तो उससे कोई खास रिजल्ट नहीं निकलेगा पाकिस्तान के हक में। ओके सर, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन 2018 नहीं होने चाहिए, जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में, आप ये कह रहे हैं? मैं उसके खिलाफ हूँ, बिकॉज पाकिस्तान के हक में नहीं। मैं तो सबसे पहले पाकिस्तान सोचता हूँ कि वो क्या होगा उस इलेक्शन में। उस इलेक्शन में अगर यही दो पार्टीज ने आ जाना हुआ तो ये तो जुल्म हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। फिर जो कुछ भी हो रहा है, ये GIT और NAB और सुप्रीम कोर्ट और ये सारा कुछ, ये दिस इज द लास्ट टाइम दैट दिस थिंग इज हैपनिंग। लेकिन सर आप नहीं समझते, आप नहीं समझते कि आपका ये बयान डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ हो सकता है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस ना हो? आप इनमें डिले चाहते हैं या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो ही नहीं और कोई नया सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए? मैं तो क्लियरली हर दफा कहता रहा, देखिए कोई मैं पाकिस्तान के खिलाफ मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन जब भी क्लैश में आती है विद द स्टेट एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मैं तरजीह देता हूँ स्टेट को, पाकिस्तान को। तो ये मेरे में और सब लोगों में फर्क है। तो मैं हमेशा बात करूंगा पाकिस्तान के हक में क्या है। अब पाकिस्तान की जो चीज हक में है, मैं समझता हूँ उसमें एक इंटरिम गवर्नमेंट अगर आ जाए, और क्योंकि हमारा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें कुछ तब्दीलियां चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ये तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे ही एक दिन में पास कराकर और वो पर्सनल गेन्स के लिए वो करवा रहे हैं। तो इसको कुछ करना नहीं चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान के हक में हो जाए। तो वो कौन करेगा? या तो कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो 2/3 मेजोरिटी में आए और वो करे, मतलब इन्हीं की गवर्नमेंट, और मुझे 2/3 मेजोरिटी में कोई आने वाला नहीं नजर आ रहा है। सर तो मैं एक छोटे से पॉइंट की आपसे, इंटरिम गवर्नमेंट अगर आती है वो कर सकेगी ये, शायद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज करे टू बी एबल टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिकली ये पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें ये लीगल हमारे एक्सपर्ट जो है ये निकाल लेते हैं कोई ना कोई हल, इनको ये कहना चाहिए हल निकालें आप इस चीज का। ठीक है जनरल साहब, एक छोटे से पॉइंट की मैं आपसे वजाहत चाहूंगी बट आफ्टर अ ब्रेक, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट ब्रेक पे जाना है, बट सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आपने कहा कि आपके सामने अगर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो तो आप उसमें से स्टेट को प्रेफरेंस देंगे, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देंगे। सर इसकी मजीद डिटेल मजीद वजाहत आपसे चाहूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक पॉइंट की वजाहत मैं चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत अहम बात भी है, बहुत अहम नुक्ता भी है, और इससे आपके वाज़े नजरिए के बारे में मजीद वजाहत हो जाएगी कि पाकिस्तान के हवाले से मजीद आपके नजरिए की एक्सप्लेनेशन क्या है। आपने कहा कि डेमोक्रेसी स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन में से आप स्टेट को चूज करेंगे, आप उसको प्रेफरेंस देंगे। दैट मीन्स कि आप अभी भी समझते हैं कि जहां स्टेट का मामला आए, जहां पाकिस्तान का मामला आए, वहां डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन को कुर्बान किया जा सकता है? जी टेम्परेरली कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको गरीदा ये एक मैंने भी चिट निकाल ली है, लेकिन ये बड़ी थोड़ी सी बड़ी चिट है जी। ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको जी। ये अब्राहम लिंकन जो डेमोक्रेसी का ऑलमोस्ट फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, उसने ये 1864 में लिखा,
ये लेटर, हमें पढ़ के बताता हूँ आपको जी। और वो क्योंकि वो कहते हैं हिज जस्टिफिकेशन ये ही यूजर्ड आर्बिट्ररी पावर, ही ट्रैम्पल्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज, ही वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो कर रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन वो देता है अब्राहम लिंकन 1864, और अब इसको मैं सुनाना चाहता हूँ। माई ओथ, ना ये अब्राहम लिंकन कह रहा है, My oath to preserve the Constitution imposed on me the duty of preserving by every indispensable means that government, that nation of which the Constitution was the organic law. मतलब Constitution बचाने के लिए मुझे nation को बचाना था जिसका वो हिस्सा है Constitution. Was it possible to lose the nation and yet preserve the constitution? क्या ये हो सकता है, मुमकिन कि मुल्क को गायब हो जाए और हम कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते रहे? By general law, life and limb must be protected. Yet often a limb must be amputated to save a life. Life मतलब मुल्क है और limb जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। But a life is never wisely given to save a limb. अब बाजू बचाने के लिए life नहीं दे सकते हैं, state is the life. अब आगे, I felt that measures otherwise unconstitutional measures might become lawful, मतलब वो lawful होते हैं, by becoming indispensable to the preservation of the constitution, मतलब constitution बचाने के लिए unlawful चीज through the preservation of the nation, मतलब जब nation को मैं preserve करूंगा, बचाऊंगा, तो उसकी constitution भी बचेगी, वरना nation गया तो constitution वगैरह सब गया। ये वो कह रहा है, right or wrong, I assume this wrong. This is what Abraham Lincoln says. तो मैं कोई अजूबा नहीं कह रहा हूँ, मुल्क सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी सिक्योरिटी एट द मोमेंट इज एट रिस्क, सिर्फ डोमेस्टिकली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, रीजनली एंड इंटरनेशनली, हर लिहाज से हम इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, रीजनली हमारे ऊपर वो हिंदुस्तान एक तरफ पड़ा हुआ है, वहां अफगानिस्तान दूसरी तरफ से, और डोमेस्टिकली हमारी बुरी हालत है, बर्नो वर्नो, तो हम एक खतरे में है, उसको बचाओ, मुल्क को बचाओ, सब चलेगा, सब चल पड़ेगा, मुल्क को नहीं बचा, सब खत्म, पासपोर्ट हमारा क्या बेकार हो, हमें हमारे पास तो पासपोर्ट नहीं हो, कुछ भी नहीं होंगे, विल बी नथिंग। तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए इस वक्त इम्पोर्टेंस सिचुएशन की नजाकत को, तो इन चक्करों में हम जो पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेसी लाओ, ठीक है डेमोक्रेसी, लेकिन आज भी आप समझते हैं कि जहां पर स्टेट वर्सेस डेमोक्रेसी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, वहां पर स्टेट को प्रेफरेंस दी जाए, तो आप नहीं समझते कि आपके ख्यालात में या आपकी आइडियोलॉजी में कहीं पर ये कोई तजाद पाया जाता है, या अगर ऐसा अपेरेंटली फील हो रहा है तो आप इसको क्लियर कर दीजिए, और फिर गिवन दैट कि आप इलेक्शंस में हिस्सा भी लेना चाहते हैं, आप सियासी अपना सियासी मकाम भी बरकरार रखना चाहते हैं, आपने 23 जमाती सियासी इत्तेहाद भी बनाया है, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ख्यालात में या कहीं नजरिए में कोई तजाद रह गया है, कोई कमी रह गई है? नहीं, कोई कमी नहीं रही है। देखिए गरीदा, मैं फ्रेंकली आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग कि मैं सोचता हूँ और एक सोच रखता हूँ, और उस सोच को मैं एक विजन में कन्वर्ट करता हूँ, और विजन जब तक ना हो तो
आदमी को डायरेक्शनलेस चल रहा होता है, जब एंड गेम ना पता हो ना, विजन क्या है, कहां हमने पाकिस्तान को पहुंचाना है, वो अगर नहीं है तो एक रडरलेस शिप जो है इधर उधर चल रहे हैं, हमें किसी को पता है नहीं किस तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं ये नहीं करता हूँ। आपने जो कहा है ये कि मैं इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ इलेक्शन नहीं भी होने चाहिए, क्योंकि देखें मैं हुकूमत नहीं चला रहा हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, ना मैं आर्मी चीफ हूँ कि मैं डिक्टेट करके मैं कुछ करवा दूं वहां। तो वो जब नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट आनी चाहिए। अगर वो आ जाती है बहुत अच्छी बात है, मैं शायद पॉलिटिक्स में हूं ही ना, मैं तो कक्षेदार में बैठ कर रिलैक्स करूंगा। अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाती है इंटरिम गवर्नमेंट सिलेक्टेड लोगों की, मैं तो उनकी मदद करना चाहूंगा अगर वो मेरे से मदद मांगते, वरना मैं कुछ नहीं करना चाहता। और आप चाहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत जो है, आप चाहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत जो है वो बढ़ा दी जाए? आप कोई नेशनल गवर्नमेंट चाहते हैं, कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहते हैं पाकिस्तान में? हाँ यस, नेशनल गवर्नमेंट। अब क्या है, ये बहुत सी टर्म है, नेशनल गवर्नमेंट, टेक्नोक्रेट, एक सिलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट। 99 में 14 लोग मैंने सिलेक्ट किए, 14, एंड आई रैन पाकिस्तान विद 14 पीपल। ठीक है, मुझे कोई एक आदमी उन 14 के ऊपर कोई उंगली उठाकर बता दे वो कहां थे, मैं मेरे कोई रिलेटिव नहीं था, कोई मेरा दोस्त नहीं था, दो थे उनमें से जिनको मैं जानता था, 12 को मैं जानते ही नहीं था। बट विद ऑल माई ऑनेस्टी मैंने मेरिट के ऊपर लोगों को देखा, परखा उनको फ्रॉम ऑल मींस, इंटेलिजेंस ये वो, फिर मैंने उनको सिलेक्ट किया और सस्ता चला। तो ये मुझे कोई शक नहीं है पाकिस्तान में, वो इसलिए चला पाकिस्तान में एक पोटेंशियल है। तो मुझे मालूम है, 10 साल मैंने चलाया, मुझे मालूम है पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू राइज, पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल टू बी अ पावरफुल कंट्री ऑफ द रीजन। ठीक है, पाकिस्तान हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ पावरफुल कंट्री ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द मुस्लिम उम्मा। ये सारी पोटेंशियल हमारे में है। ठीक, और हम इसको अभी जो मुस्लिम उम्मा में जो हो रहा है, जो भी आप देख ही रही है, उसमें रोल पाकिस्तान का है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोरी में लाए हुए हैं तो आपको रोल कुछ नहीं है वहाँ। जनरल साहब सॉरी टू कट यू इन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। हालांकि आपने बहुत से ऐसे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे दिए हैं जिन पे एक और प्रोग्राम हो सकता है, और मैं चाहूंगी कि आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम हो। और जो आपने कहा है कि जो कौमी हुकूमत आपने 14 लोगों की तश्कील दी थी उनमें से किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, इस पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम मैं आपके साथ जरूर रखना चाहूंगी। चना साहब ये भी फरमाते हैं, समझते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान को इलेक्शन की नहीं सिलेक्शन की जरूरत है, कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए जिसकी शक्ल जो भी हो, नेशनल गवर्नमेंट की हो, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की हो। बहरहाल जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बहुत शुक्रिया वंस अगेन आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। यह था आज का प्रोग्राम जी, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।